राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और तुलसी हम सबके घरों में मिलती है, तो मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताती हूँ। तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको करोड़पति और धनवान। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे घर के लिए बेहद शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक चलाना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और कलेश होती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह उपाय। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें फ्रेंड्स। तो नंबर वन, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तो तुरंत मंजरी को तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने के बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन की प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर दो, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। नंबर तीन, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं जाना पड़ता। वह अपने जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर चार, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान पर जहाँ धन रखते हो वहाँ रख दें। इस
उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। पूजा घर में रखे मंजरी। नंबर 6, घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर रखें और इसे किसी की नज़र न लगने दें। इसे स्थापित करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़कें। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है, ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नज़र दोष के उपाय या बुरी नज़र नहीं लगती। नंबर 12, तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी के पत्ते को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है।
ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रख दें। आप चाहें तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे न आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरियों को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।